गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ. यस्टरडे वी हैड एक्सप्लेन यू डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें आपको मैंने बताया था किस तरह से फूड जो है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होता है. फर्स्ट माउथ में ये जो है ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पीसेस में. इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ एंड टंग के थ्रू ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होकर फूड पाइप में आता है. देन ये स्टमक में आता है एंड स्टमक के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ऑलमोस्ट ऑल फूड डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय ब्लड. रिमेन अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड पास थ्रू आउट एनस. ओके, अब हमें इसके बारे में जो हम फूड डाइजेस्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. थिंग्स टू रिमेम्बर फॉर प्रॉपर डाइजेशन. प्रॉपर डाइजेशन के लिए आपको किस तरह का फूड खाना चाहिए उसके बारे में आपको पढ़ना है. वी मे फॉल सिक इफ योर फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली. अगर आप जो है बीमार हो जाते हैं अगर आपका फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता. फॉलोइंग आर सम थिंग्स टू रिमेम्बर टू कीप अवर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपरली. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन करता रहे इसके लिए हमें जो है कुछ टिप्स हैं. उसके थ्रू आप ये याद कर सकते हैं कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है. फर्स्ट है ऑलवेज ईट हेल्दी फूड इन द राइट क्वांटिटी. जो आप हेल्दी फूड खाते हैं उनकी राइट अमाउंट या राइट क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए. कल मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी बैलेंस डाइट की क्या होती है. ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट. आपको प्रॉपर अमाउंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स एंड वाटर प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट नॉट इवन हेल्दी फूड. अगर आप हेल्दी फूड भी खा रहे हैं तो वो ओवर ईट ना करें. ईट फ्रेश फूड एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको फ्रेश फूड ही खाना चाहिए और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. च्यू योर फूड वेल. टेस्ट योर मील्स एट फिक्स टाइम. टेक योर मील्स एट फिक्स टाइम इन द डे. आपको जो है अपना मील फिक्स टाइम पर ही लेना चाहिए. ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, उसी टाइम पर आपको मील लेना चाहिए. ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. फूड कुक्ड भी खाते हैं रॉ. रॉ में हम लोग क्या क्या खाते हैं. वी टेक फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, चेरीज, स्ट्रॉबेरी, गुआवा आर ईटन बाय रॉ. एंड वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स आर आल्सो हम ऐसे ही रॉ ईट करते हैं. फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश एंड टोमेटोज. नेक्स्ट आपका है कुकिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. वेल कुक्ड फूड होना चाहिए आपका. वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉपरली बिफोर ईटिंग देम रॉ एंड कुकिंग देम. द डस्ट, डर्ट एंड जर्म्स गेट वॉश ऑफ बाय वाटर. जो आप जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल आप कुक करते हैं तो उसको सबसे पहले वॉश करना चाहिए. ओवर कुकिंग आपके फूड की ना हो, नहीं तो न्यूट्रिएंट्स उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओवर कुकिंग फूड आधा ऑफन डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन फूड. नेक्स्ट है आप फूड को कैसे स्टोर करते हैं, तो उसके लिए आप थ्रू प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन इज ट्रीटिंग द फूड इन ए वे दैट हेल्प्स टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड फॉर ए लॉन्गर टाइम. आप किसी भी फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन इज डन बाय टू टाइप्स, फ्रीजिंग एंड
कैनिंग। ये टू एग्जांपल हैं आपके प्रिजर्वेशन के। तो ये आपका चैप्टर आज मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी आपको बुक एक्सरसाइज करनी है जो आपको पीडीएफ फाइल भेज देंगे। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन, एनर्जी गिविंग फूड जो है रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपके जो प्रोटीन्स है प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। दिस हेल्प्स टू रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी फाइबर। वाटर रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ये भी मैंने आपको बताया था। अब आपको जो है ये आपको होमवर्क करना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स आपको यहाँ फिल करने हैं। हाउ दे हेल्प आवर बॉडी वो आपको फिल करना है यहाँ पर। ऐसे ही फैट्स प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स और फाइबर ये फूड आइटम आपको यहाँ पर फिल करने हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ईट करते हैं और यहाँ पर उससे क्या बॉडी में हेल्प होती है वो आपको राइट डाउन करना है। ये क्वेश्चन आप हम कल करेंगे। थैंक यू।